सलामुअलैकुम दादी। सलामुअलैकुम दादा। मुझे तो इनकी है, हर वक्त सीट पे बैठे रहते हैं। अम्मी बता रही थी आप मुझे बहुत याद कर रही थी, कल दो बार फोन भी किया आपने। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूं कि तुम्हारी माँ ने बुजुर्गों के सामने ना बैठने की और ना बात करने की तमीज सिखाई। वो क्या है ना, अम्मी को कभी मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी यूरोप में बच्चे और बुजुर्ग एक तरह के होते हैं। अब आ गया हूं ना आपके पास, आप सिखा दीजिए ना। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमारे खानदान की रिवायात के वारिस बनो। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा मुस्कुराना आपकी रवायात में शामिल नहीं। मुझे बेवक्त और बिला वजह मुस्कुराना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। जी, हुक्म करें। बहुत संजीदा मामला है। बताइए दादी। मैं ये चाहती हूं कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। कैसी जिम्मेदारी? कारोबारी मामलात बहुत फैले हुए हैं। मैं तुम पर ज्यादा बोझ तो नहीं डालूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम वुलन फैक्ट्री संभालो। लेकिन वो तो पहले ये बाबा ने संभाली है, मैं क्या करूंगा दादी? तुम्हारे बाबा ने बहुत मायूस किया मुझे, सारी फैक्ट्री तबाह कर दी। लेकिन मैं तो फैक्ट्री के बारे में कुछ जानता ही नहीं। मैं तुम्हें गाइड करूंगी, मैं तुम्हें समझाऊंगी। तो दादी आप बाबा को गाइड कर देना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे। इस वक्त फैक्ट्री बहुत खसारे में है। वहां से जो भी पैसा आता है वो कहां जाता है, वो कहां लुटाता है, हमें कुछ खबर नहीं। ऐसा मत करिए आप, बाबा को बहुत गुस्सा आएगा। और वैसे भी अभी मैं फैक्ट्री के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। आबिद खान, तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने फैसला कर लिया, वलीद खान को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये फैक्ट्री अब तुम संभालो। समझ आई? ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगा। और वो महानूर का कमरा पुराने वाला ही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे हलवाई कर लूं। थैंक यू दादी। क्यों मना कर रहे हो उसे? वो उसकी होने वाली बीवी है। जवानी भूल गए? क्या क्या गुल खिलाए थे तुमने?